तो जब हम लोग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगे बाद रिगार्डिंग द कॉलम्स ठीक है तो कॉलम्स को जनरली डिनोट uh, किया जाता है आइदर यू कैन यूज आर एल और सी आर मीन्स राइट जस्टिफाइड कॉलम मीन्स उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे आप दैट विल ऑटोमेटिकली विल कम टूवर्ड्स राइट सिमिलरली एल आप जो भी लिखोगे दैट विल ऑटोमेटिकली गेट जस्टिफाइड सी फॉर सेंटर रिगार्डिंग दो रो को जो सेपरेट करते टेबल्स में ठीक है उसके लिए आप कौन सा दैट इज एच लाइन तो यहाँ पे ओनली एच लाइन यूज नहीं करना ठीक है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कमेंट आउट करके लिख चुके हूँ यहाँ पे देखना

थ्री बाई थ्री टेबल्स बनाया थ्री बाई थ्री मीनस थ्री रोज थ्री कॉलम्स राइट विदाउट एनी लाइन दैट इज सेपरेटिंग कॉलम्स और द रो तो उसके लिए uh, आपका सिंटेक्स क्या रहेगा यहाँ पे देखना

सेपरेट किया एंड वन रो खत्म होने के बाद आई हैव यूज्ड दिस डबल बैक स्लैश उसके बाद से मेरे ली सेकंड रो का एलिमेंट लिखा डबल बैक स्लैश एंड दैन द थर्ड रो इसके करस्पोंडिंग देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है तो एक चीज यहां पे आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन नहीं आ रहा है। तो अभी आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन चाहिए यदि आपको कॉलम सेपरेटेड वाई अ वर्टिकल लाइन इसके लिए आप क्या यूज करोगे जैसे मैंने पहले बताया था राइट स्लैश बिगिन टेबुलर उसके बाद कॉलम को यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया राइट right? यहाँ पे जब वर्टिकल लाइन सेपरेट किया इट मीन्स आपका जो कॉलम दो कॉलम के बीच एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा ओके okay? उसके बाद आपको क्या है ये इनक्लोजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए ऊपर नीचे उसके लिए आप क्या करोगे ये बिगिन टेबुलर खत्म होने के बाद जस्ट राइट स्लैश एच लाइन फाइन उसके बाद फर्स्ट रो का दैट शुड बी एंडेड विद डबल बैक स्लैश एंड सेकेंड रो सेकेंड रो का ठीक है एंड एंड में जो ये एंडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लिए अगेन यू हैव टू यूज दिस एच लाइन तो आप जब कंपाइल करोगे योर प्रेजेंटेशन विल लुक लाइक दिस। ये तो थिंग। अब क्या चाहिए आपको यदि आपको दो रो के बीच भी एक हराइजेंटल लाइन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखना ठीक है? सॉरी वर्टिकल लाइन यूज कर लिया मैंने सो दैट विल गेट स्टार्टेड विथ ईच लाइन इट टॉप आफ्टर दैट

तो आप देखना आपको किस तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो ये तो हो गया बेसिक थिंग्स तो फर्दर देखो यहाँ पे मैं कुछ और टेबल्स भी डिस्कस करूंगी तो यहाँ पे जिसे आई हैव गिवन सम रिप्रेजेंटेशन पे आप देख सकते हो साइड में दो लाइन आया है आपको कभी तीन लाइन मतलब उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे बीच में कुछ गैप दिया है So, आप नोटिस कर रहे होंगे तो इसके लिए किस तरह का करना है मतलब व्हाट आर द दिन तो यहाँ पे बिगिन सेंटर बिगिन टेबुलर ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखना एक चीज आप में यहाँ पे नोटिस कर रहे हो मैंने कॉलम को सेपरेट नहीं किया वर्टिकल लाइन से सो so, यहाँ इसीलिए यहाँ पे देर इज नो वर्टिकल लाइन इन बिटवीन दिस टू कॉलम लेकिन इनिशियल पे दो वर्टिकल लाइन दिया है दैट्स वाई ये दो वर्टिकल लाइन आ रहा है सिमिलरली एंडिंग पे दो वर्टिकल लाइन यूज किया है सो एंडिंग पे दो वर्टिकल लाइन उसके बाद एच लाइन सो ये टॉप वाला आ गया, उसके बाद मैंने column 1, column 2 ये लिख लिया, ठीक है? उसके बाद के बाद के यहाँ पे मैंने square bracket लिखा। इसका मतलब क्या होता है जीरो पॉइंट फाइव एक्स एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देगा यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर रहे है ना? Fine. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक H line तो दिया, तो ये वाला क्लोज कर दिया उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस आया अगेन मैंने यहाँ पे एज लाइन तो इसके बीच में एक देख सकते यहाँ पे, पे, so, extra space. यहाँ पे, यहाँ पे यह, इसके बीच एक एक्स्ट्रा स्पेस एड हो गया सो दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज येबल अकॉर्डिंग टू यीड्स तो ये तो हो गया अबाउट कस्टमाइजेशन ना फर्दर

जो फर्स्ट कॉलम का मैंने वीथ कितना दिया थ्री सेंटीमीटर ये मैन्युअली सेट कर रही हूँ उसके बाद सेकंड कॉलम का वीथ मैंने वन सेंटीमीटर थर्ड का वन सेंटीमीटर उसके बाद एज यूज़ुअल मैंने कंटेंट लिखा सो करस्पॉन्डिंग टू दैट यू कैन सी द रिप्रेजेंटेशन तो फर्स्ट का जो विथ आया थ्री सेंटीमीटर सेकेंड का टू तो इस तरह से आप यू कैन प्ले विद द विथ्स ऑफ द कॉलम फाइन

अभी इसके लिए यहाँ पे मैंने environment थोड़ा सा किया किया तो right? तो इसके लिए आपको पे पे मैंने मैंने देखना एक तो मैंने बोला एक तो array package use करना पड़ेगा उसके बाद तो आप evenly distributed, uh, तो आपको यदि चाहिए यू हैव टू यूज दिस पैकेज ओके नाउ बिगिन सेंटर एंड सेंटर हो गया उसके बाद व्हाट इज बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर उसके बाद यहाँ पे देखना मैंने

यहाँ पे देखना मैंने कुछ यहाँ पे सिंटेक्सेस यूज किया है फर्स्ट कॉलम के लिए दैट्स वाई वट एवर थिंग्स यू राइट इन द फर्स्ट कॉलमिल राइट एंड स्लैश सेंटरिंग गिवेन इन देंटर एंड थर्ड वन यू कैन सी देर इज अफ्ट

यदि या आर तो आर फॉर राइट जस्टिफाइड कंटेन आएगा कलम पे और एल फॉर लेफ्ट जस्टिफाइड फाइन सो तो चलो उसके बाद पॉइंजनिंग ऑफ द टेबल अभी क्या होता है जब असाइनमेंट लिखते हो प्रोजेक्ट लिखते हो या रिसर्च पेपर लिखोगे तो क्या होता है आपको टेबल एक स्पेसिफिक प्लेस पे रखना होता है तो उसके लिए अभी कौन सा इन्वायरमेंट यूज करोगे Because आप जब लिखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत ज्यादा हो जाता है जैसे मैंने मैंने के के केस में में भी बताया था वहाँ पे मैंने कुछ दिया था के में किया था पे कुछ दिया बारे किया तो उसी तरह से यहाँ पे देखना जब आप एज इन्वायरमेंट यूज करोगे एज कहाँ पे यूज करना है ये जो होता है ना बिगिन टेबल बिगिन टेबल के बाद यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट यूज करना पड़ता है उसका पोजिशन कहाँ पे होगा जैसे एज एज करने से

एज के साथ आपको एक्सक्लामेट्री लिखने का जरुरत नहीं है बट आप आपको पैकेज यूज करना पड़ेगा दैट इज दैकेज केस दिगर्स तो सिमिलरली हाँ आपको दिस एनवाइ बिकॉज जब भी मैं पेपर लिखती हूँ रिसर्च पेपर या बुक छाप्टवर सो आई फेस दिस प्रॉब्लमलीस हेज सॉट आउट माई प्रॉब्लम तो या yeah. तो आज के लिए इतना ही करते हैं ये पार्ट वन था टेबल का फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में देखें हाउ टू तो कस्टमाइज यूर टेबल्स राइट जैसे मल्टी पेज टेबल होता है यदि आपको किसी रो को कलर करना है हाईलाइट करना है तो वो सी चीज आप कर सकते हो तो उसके लिए कैसे कैसे कौन सा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो सो इफ यू लाइक द टू कंटेंट सो शेयर इट अमंग अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फॉरदर सच वीडियोज And yeah, that's it for today. So thank you.